बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने get CH, get CHR, put CH और put CHR फंक्शन की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम get S और put S फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि get CH या put CH का फंक्शन हम सिंगल करेक्टर को इनपुट लेने के लिए और सिंगल करेक्टर को ही डिस्प्ले करवाने के लिए यूज करते हैं। अब अगर हम सिंगल करेक्टर के बजाय मल्टीपल करेक्टर्स को इनपुट या आउटपुट करवाना चाहते हैं, सपोज आप अपना नाम इनपुट करवाना चाहते हैं, तो फिर वो आप get CHR फंक्शन के थ्रू किस तरह से करेंगे? क्योंकि डियर फ्रेंड्स, get CHR तो सिंगल करेक्टर को ही इनपुट लेता है, तो अगर आप अपना नाम इनपुट करवाना चाहते हैं तो अपने नाम के हर एक करेक्टर को स्टोर करवाने के लिए आपको सबसे पहले एक करेक्टर वेरिएबल लेना पड़ेगा। अगर आपके नाम में 6 करेक्टर्स मौजूद है तो आपको 6 वेरिएबल्स ही लेने पड़ेंगे। फिर उसके बाद हर एक करेक्टर को इनपुट लेने के लिए एक अलग get CHR के फंक्शन को भी यूज करना होगा, और दोस्तों तब जाकर आपका पूरा नाम मेमोरी में स्टोर होगा। स्टोर करवाने के बाद अगर आप उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो फिर आपको मल्टीपल put CHR फंक्शन के थ्रू आपको आपका नाम स्क्रीन पर अलग अलग करेक्टर्स के थ्रू डिस्प्ले करवाना होगा। तो दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसीजर को देखें तो ये बहुत ही ज्यादा लेंथी प्रोसेस है। यानी आप अपने सिर्फ एक सिंपल से 6 अल्फाज लफ्जों पर मुश्तमिल नाम को अगर आप स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कितनी मेहनत और कितनी स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड है। इसीलिए इस पूरे प्रोसीजर को छोटा करने के लिए सी आपको प्रोवाइड करता है get S और put S का फंक्शन। यानी ये get S का फंक्शन क्या करता है दोस्तों, अगर आप मल्टीपल करेक्टर्स को एक साथ इनपुट लेना चाहते हैं तो उसके लिए सी में जो फंक्शन यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड get S फंक्शन। और दोस्तों, यहां get S से मुराद है, get से मुराद है इनपुट लेना, और S मींस है स्ट्रिंग। तो दरअसल यहां पर get S फंक्शन के थ्रू हम दरअसल स्ट्रिंग को इनपुट लेते हैं। दोस्तों, ये स्ट्रिंग का वर्ड आपके लिए नया है। तो स्ट्रिंग क्या है? ये सी लैंग्वेज में एक डेटा टाइप है, और इस डेटा टाइप के जरिए आप मल्टीपल करेक्टर्स को एक साथ मेमोरी में स्टोर करवा सकते हैं। और क्योंकि हम इस डेटा टाइप के जरिए मल्टीपल करेक्टर्स को स्टोर करवा रहे हैं, इसीलिए जिस वेरिएबल में हम स्ट्रिंग को स्टोर करवाएंगे, फॉर एग्जांपल ये वेरिएबल नेम है, और जिस वेरिएबल में हम स्ट्रिंग को स्टोर करवाएंगे उसकी डेटा टाइप 4 होगी। क्योंकि याद रखिए, स्ट्रिंग जो है ये आप मल्टीपल करेक्टर्स को इस डेटा टाइप के जरिए आप स्टोर करवा रहे होते हैं, तो इसीलिए इसकी डेटा टाइप 4 होगी। लेकिन अगर आप उस वेरिएबल नेम के आगे इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे, और इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपको कितने करेक्टर्स पर मुश्तमिल स्ट्रिंग चाहिए उसकी लेंथ लिख देंगे, तो अब ये एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल कहलाएगा। और जो भी वैल्यू आप इस वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे उसको प्रिंट करवाने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %s का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर आप सिंपल करेक्टर को स्टोर करवाना चाहते हैं, यानी एक सिंगल करेक्टर को किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहते हैं, तो आप सिंपल वेरिएबल नेम लिखेंगे, उसके आगे करें 4 डेटा टाइप यानी CHAR लिखेंगे, और यहाँ पर सिंगल कोटेशन में आप करेक्टर लिख देंगे। लेकिन अगर आप मल्टीपल करेक्टर्स को किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहते हैं तो उसकी डेटा टाइप तो 4 होगी, लेकिन यहाँ पर आपको उस स्ट्रिंग के साथ उस स्ट्रिंग को डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखना होगा, और साथ के साथ वेरिएबल नेम के आगे आपको इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होगा। और वो जो आप वैल्यू उस वेरिएबल में स्टोर करवाने जा रहे हैं उसकी लेंथ क्या होगी, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखें तो इसकी लेंथ है 1 0 1 2 3 4 5। और दोस्तों, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है तो इसकी लेंथ है 6, लेकिन हमने यहाँ पर 7 लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट वैल्यू होती है वो बैकस्लैश 0 होती है, जो कि ऑटोमेटिकली आपका कंपाइलर रख देता है। क्यों रखता है ये आगे हम डिटेल में देखेंगे। अभी बस आप ये याद रखिए कि अगर आप किसी स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहते हैं तो उसको आपको डबल कोटेशन में देना होगा उसकी वैल्यू को, और उस वेरिएबल नेम के आगे आपको इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट दे। दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने एक प्रोग्राम मौजूद है जिसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल लिया है। दोस्तों, किस तरह से ये स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है, क्योंकि हमने इसके आगे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने उस स्ट्रिंग की लेंथ डिफाइन कर दी है। लेकिन याद रखिए, जो स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है उसके आगे जो डेटा टाइप हम यूज कर रहे हैं वो है 4 डेटा टाइप।
और आपको कैसे पता लगा कि स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है? क्योंकि दोस्तों जो भी स्ट्रिंग आप इनिशियलाइज करते हैं किसी वेरिएबल के अंदर, तो उसको लिखते वक्त आप उसको डबल कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं। यहाँ पर आप देखिए, हमने लिखा है कंप्यूटर साइंस और इसको हमने डबल कोटेशन में लिखा है, तो विच मीन्स कि ये एक स्ट्रिंग है। और इसको प्रिंट करवाने के लिए हम जिस फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करेंगे, दैट इज परसेंट एस। जिस तरह इंटीजर को प्रिंट करवाने के लिए आप परसेंट डी को यूज करते हैं, करेक्टर को प्रिंट करवाने के लिए परसेंट सी को, इसी तरह सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए परसेंट एस स्पेसिफायर का यूज किया जाता है। तो हम इसको सेव करेंगे और यहाँ पर हम इसको कंपाइल और रन करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने ये स्ट्रिंग प्रिंट हो गया है। जबकि अगर हम गेट चार की बात करें या पुट्स चार की बात करें, तो वो सिंगल करेक्टर को ही एक वक्त में प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों स्ट्रिंग वेरिएबल के जरिए, स्ट्रिंग टाइप के जरिए आप मल्टीपल करेक्टर्स को एक साथ मेमोरी में स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस प्रोग्राम का एक फ्लॉ है, यानी अगर आप दोस्तों यहाँ पर आपने एक प्री डिफाइंड वैल्यू, एक प्री डिफाइंड स्ट्रिंग जो है वो सी एच वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया है। अब जब भी आप इस सी एच वेरिएबल को यूज करेंगे, तो उसकी वैल्यू हमेशा कंप्यूटर साइंस रहेगी। मान ले आप कभी यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग यूज करना चाह रहे हैं, या कभी यहाँ पर कोई और स्ट्रिंग यूज करना चाह रहे हैं, तो वो आप नहीं कर सकते। अगर वो आप करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर से आके पहले प्रोग्राम को पूरा चेंज करना होगा, स्टेटमेंट यहाँ से हटानी होगी, कोई और लिखना होगा वर्ड, तभी ये चेंज हो सकता है। तो इसके लिए सी आपको प्रोवाइड करता है गेट एस का फंक्शन। आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले हम ये प्री डिफाइंड वैल्यू को हटा देंगे, हटाने के बाद इस प्रिंट एस को भी हटा देंगे और यहाँ पर सिंपल लिख देंगे गेट एस। और गेट एस लिखने के बाद जिस वेरिएबल में आपको वैल्यू इनपुट लेनी है, क्योंकि गेट एस का फंक्शन क्या करता है, ये यूजर से स्ट्रिंग को इनपुट लेता है। तो जिस भी वेरिएबल में आपको वैल्यू इनपुट लेनी है, तो आप उस वेरिएबल का नेम इस गेट एस फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर दे देंगे, एज अ आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमने लिख दिया गेट एस और यहाँ पर लिख दिया है सी एच। हम सिंपल इसको सेव कराएंगे, सेव कराने के बाद कंपाइल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए, ये हमसे पूछ रहा है, जब आपका इस तरह से कर्सर ब्लिंक कर रहा हो, विच मीन्स कि ये आपसे पूछ रहा है कि आप क्या चीज इनपुट करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग इस तरीके से। और दोस्तों जैसे ही हमने ये किया, तो आपके इस सीएच वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू जो है वो इनपुट हो गई है, यानी ये जो स्ट्रिंग आपने इनपुट दिया है, ये इस सीएच वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया है। अब डियर फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम के थ्रू आपको ये तो पता लग गया कि गेट एस का फंक्शन क्या करता है, ये सिंपल यूजर से स्ट्रिंग को इनपुट लेता है और इनपुट लेने के बाद जो भी इसके इस पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल नेम होता है, उस वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर कर देता है। लेकिन इंटरनली कंपाइलर क्या करता है, जब आप इस तरीके से कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आप एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल डिफाइन करते हैं चार सी एच, और उसके आगे आपने इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन कर दी जो भी वेरिएबल आप इनपुट लेना चाहते हैं उसकी लेंथ। तो यहाँ दरअसल जब कंपाइलर इस स्टेटमेंट को रन करेगा, तो वो क्या करेगा, वो एक ब्लॉक बना देगा सी एच के नाम से, और जिसमें वो क्या, जब ये देखेगा कि यहाँ पर 16 लेंथ डिफाइन है, तो इस ब्लॉक में 16 कॉलम्स बना देगा इस तरह से। और जब आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे गेट एस सी एच, तो दरअसल गेट एस का फंक्शन क्या करता है, ये जैसे ही कंपाइलर इस गेट एस के फंक्शन को देखेगा, तो कंपाइलर यूजर से एक नाम इनपुट लेगा और उस नाम को स्टोर करवा देगा सी एच वेरिएबल। सपोज वो नाम है कंप्यूटर साइंस, तो इस ब्लॉक के हर एक कॉलम में एक करेक्टर स्टोर करवा देगा और आखिर में \0 यानी नल करेक्टर ऑटोमेटिकली इनपुट कर देगा, यानी ये आपको इनपुट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप अपना पूरा स्ट्रिंग लिख देंगे, लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपके इस स्ट्रिंग के एंड में \0 जिसको नल करेक्टर भी कहा जाता है, वो ऑटोमेटिकली इनपुट कर देगा। और क्यों करेगा, क्योंकि दोस्तों यही ये \0 नल करेक्टर कंपाइलर को बताएगा कि यूजर की तरफ से इनपुट करदा स्ट्रिंग अब एंड हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, और अब आप इस पूरे स्ट्रिंग को इस सी एच वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, यहाँ अगर आप गौर करें, तो हमें इन दोनों वर्ड्स के दरमियान स्पेस नजर आ रहा है,
जिससे हमें ये पता लगा कि गेट एस फंक्शन के थ्रू आप सिर्फ अल्फाबेट्स को इनपुट नहीं ले सकते बल्कि आप लेटर डिजिट्स स्पेशल सिंबल्स और स्पेसेस को भी एज अ कैरेक्टर इनपुट करवा सकते हैं। और याद रखिए जब आप अपना पूरा स्ट्रिंग इनपुट कर देंगे तो आपको एंटर की प्रेस करना जरूरी है तभी वो स्ट्रिंग वेरिएबल में जाकर स्टोर होगा। और गेटर्स का फंक्शन क्योंकि एक स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन है जिसकी तमाम डिटेल्स stdio.h लाइब्रेरी में डिफाइन होती है इसीलिए इस फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए stdio फाइल को आपको अपने प्रोग्राम के आगाज में शामिल करना जरूरी है। तो डियर फ्रेंड्स गेटर्स फंक्शन का काम क्या होता है, किसी भी स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए आप गेटर्स फंक्शन को यूज करते हैं। अब अगर आप उस इनपुट लिए गए स्ट्रिंग को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए जो फंक्शन आपको सी प्रोवाइड करता है दैट इज कॉल्ड पुट एस फंक्शन। दोस्तों गेट एस और पुट एस दोनों स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं इसीलिए इसको अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए stdio फाइल को ऐड करवाना आपके लिए जरूरी है। दोस्तों पुट एस फंक्शन के पैरेंथेसिस में आप उस वेरिएबल का नेम देते हैं जिसकी वैल्यू को आपने प्रिंट करवाना है और अगर आपको वेरिएबल के बजाय किसी स्ट्रिंग को ये प्रिंट करवाना है तो पैरेंथेसिस में आप डबल कोटेशन मार्क्स में वो स्ट्रिंग लिख देंगे जो आपको प्रिंट करवाना है। अब आइए दोस्तों इसकी प्रैक्टिकली डेमोंस्ट्रेशंस को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये हमने एक पहले से प्रोग्राम बना के रखा है जिसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन किया है जिसकी लेंथ है 5। अब इस वेरिएबल के अंदर अगर आप कोई वैल्यू इनपुट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए सी आपको प्रोवाइड करता है गेट एस का फंक्शन और अगर इस वेरिएबल के अंदर मौजूद वैल्यू को आप स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए जो फंक्शन आपको प्रोवाइड किया जाता है दैट इज पुट एस फंक्शन। तो आइए आप इसको रन करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब हम कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर के आपको इस कंसोल विंडो में ये एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है जो कि आपसे पूछ रहा है कि आप क्या चीज इनपुट देना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है ए बी सी डी। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि गेट एस के फंक्शन के लिए यानी जब तक कि ये वेरिएबल के अंदर वैल्यू को इनपुट नहीं करवाएगा जब तक कि आप एंटर की प्रेस नहीं करेंगे। ये देखिए ये जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस करी तो इसने ना सिर्फ वेरिएबल के अंदर वैल्यू को प्रिंट कर स्टोर करवा दिया बल्कि साथ के साथ पुट एस फंक्शन के थ्रू इस वेरिएबल के अंदर मौजूद वैल्यू को आपके सामने डिस्प्ले भी करवा दिया। यानी गेट एस फंक्शन के थ्रू आप यूजर से किसी भी स्ट्रिंग को इनपुट ले सकते हैं और पुट एस फंक्शन के थ्रू आप उस स्ट्रिंग उस वेरिएबल के अंदर मौजूद स्ट्रिंग को डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। और यहाँ पर याद रखिए गेट एस का फंक्शन और पुट एस का फंक्शन दोनों ही आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करते हैं यानी इन दोनों के अंदर आपको वेरिएबल नेम देना जरूरी है। यहाँ पर आप वेरिएबल नेम भी दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी कांस्टेंट को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो भी आप गेट एस और पुट एस फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक प्रोग्राम आपके सामने मौजूद है जिसमें हमने हैश डिफाइन डायरेक्टिव के थ्रू एक कांस्टेंट डिफाइन किया है और उस कांस्टेंट के अंदर हमने एक स्ट्रिंग जो है वो स्टोर करवाया है। याद रखिए स्ट्रिंग को स्टोर करवाने के लिए आपको उस स्ट्रिंग को डबल कोटेशन मार्क्स में देना जरूरी है। अच्छा आप उसे किसी कांस्टेंट में स्टोर करवा रहे हैं या फिर वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं दोनों के लिए आपको उसे डबल कोटेशन में देना जरूरी है। तो यहाँ पर हमने एक ग्रीटिंग के नाम से कांस्टेंट लिया है जिसमें हमने स्ट्रिंग स्टोर करवाया है बेस्ट विशेस। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुट एस फंक्शन के अंदर आप किसी भी वेरिएबल को एज एन आर्ग्यूमेंट भी ले सकते हैं और कांस्टेंट को भी एज एन आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं। यहाँ पर हमने इस कांस्टेंट को एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया है पुट एस फंक्शन के इन पैरेंथेसिस के अंदर। अब आइए इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। और डियर फ्रेंड्स ये देखिए आपके सामने ये बेस्ट विशेस लिखा हुआ आपको नजर आ गया है विच मीन्स के इस पुट एस फंक्शन ने इस कांस्टेंट के अंदर मौजूद इस वेरिएबल इस कांस्टेंट के अंदर मौजूद इस स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी प्री डिफाइंड वैल्यू को यानी अगर आप डायरेक्टली उसको स्ट्रिंग में पुट एस फंक्शन में लिखना चाहे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये देखिए अब ये आपको सिर्फ और सिर्फ हेलो प्रिंट करके दिखाएगा लेकिन याद रखिए आपको क्योंकि स्ट्रिंग को डबल कोटेशन मार्क्स में लिखना जरूरी है चाहे वो आप कांस्टेंट के थ्रू दें चाहे वो आप वेरिएबल के थ्रू दें और चाहे आप वैसे ही दें सिंगल। ये देखिए यहाँ पर ये हेलो लिखा हुआ आ गया है। तो इस तरीके से दोस्तों गेट एस और पुट एस फंक्शन काम करते हैं। गेट एस के थ्रू आप मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक साथ इनपुट ले सकते हैं और पुट एस के थ्रू आप मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक साथ डिस्प्ले कर। दोस्तों यहाँ तक आपके तमाम अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस कंप्लीट हुए। इसमें हमने गेट सी एच आर पुट सी एच
पुट सी एच आर गेट एस और पुट एस फंक्शन को डिटेल में पढ़ा है। स्टार्टिंग के जो हमने फंक्शंस पढ़े वो सिंगल कैरेक्टर को इनपुट और सिंगल कैरेक्टर को आउटपुट करने के लिए यूज किए जाते थे, और आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि आप मल्टीपल कैरेक्टर्स को किस तरह से एक साथ इनपुट ले सकते हैं और मल्टीपल कैरेक्टर्स को किस तरह एक साथ डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।